नानो दिखाना नहीं मुझे। अपने लग गए खाने। देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब लाए चिकन खूब सारा। यस। और मानोज है ना? बिल्कुल भाई। दो वहां निकालो। देखो ना, तीन निकाल दो। तीन निकाल, तीन निकाल दो। बड़े बिल्ले को ना दो। ये है किटन्स के पैट के। ये जो है ना, एक घर का हो जाएगा, एक बिल्लियों के लिए इसी तरह धोए वगैरह रख देंगे ना। बिल्कुल भाई। फ्रिज में। और ये है लेची पोटा। निकालता हूँ कुछ। ले आऊँ आप लाई। प्लेट ले आओ ना। प्लेट तैयार करेंगे जी। तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब लाए हैं बिल्लियों के लिए बहुत सारा चिकन और घर के लिए भी। ठीक है, बिल्कुल। बिल्लियों को दे रहे हैं ऊपर। जैसे ही वाली साहब आए हैं ना, तो कार पोर्च में भी बिल्लियां थी। एक तो ये अंदर खा रही है, ये सबसे फेवरेट है। और बाकी तीन चार जो है उनको बाहर ही दी है। और जो बाकी है वो टेरेस में वाली साहब के रूम के साथ बिल्कुल है ना। जी बिल्कुल। ये दिखाओ, ये बेर है। बेर भी लाए थे। और ये रेड ब्लड माल्टे है ना। यस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू ब्लड इट में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लड इट। चैनल पर जो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो कि बिहाइंड द कैमरा है, हम आपके सारे कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट्स रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारा दूसरा चैनल है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी विजिट करें। इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो आज देखें डिनर में हम क्या बना रहे हैं। अभी हम जो है ना टी टाइम करके वेले हुए हैं ना। जी वेले। तो अभी हमने पिज्जा बनाया था और चाय वगैरह बनाई थी। बाड़े से ताजा दूध आया था, दूध निकाला था। ठीक है, उबाल लिया था, उबाल के रख दिया है। अब आ जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर में बना रहे हैं आज हम कीमा करेले। ठीक है, ये करेले हैं, अभी सीजन शुरू नहीं हुआ इनका, तो ये हमें 500 रुपए किलो मिले हैं। ठीक है, बड़ा महंगा करेला। ठीक है, कीमा करेले बनाने के लिए करेले ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने ले ली है व्हील का कीमा। ठीक है, व्हील मीन्स है यानी के बड़े का कीमा है। ठीक है, ये बड़े का कीमा है, मोटे गोश्त का कीमा है। तकरीबन ये 1 किलो से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। प्याज ली है, लहसुन ली है, अदरक ली है और टमाटो ली है। ठीक है, बड़े ही मजेदार कीमा करेले बनाएंगे। ठीक है जी भाई, बिल्कुल। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम ये ले लेते हैं कढ़ाई, जिसमें हमने क्या कीमे को पकाना है, कीमे को कुक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये हम ना मेट्रो से कीमा लेते हैं। बड़ा अच्छा कीमा होता है, साफ सुथरा होता है और इस पे एक्सपायरी वगैरह भी लिखी होती है और अच्छा पैक हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात है अच्छा देते हैं ना। yes. इसमें चिचड़े चर्बी नहीं, चर्बियां नहीं पीस के देते। ये देखिए, ये हमने फ्रीज किया हुआ था ना, फ्रीज किया, थोड़ा इसे गीला करते ही निकल आएगा, खुद ही निकल जाएगा। हाँ। हाँ।
ना ये इसी तरह डाल देते हैं, ये भी खुद ही लिट से निकल जाएगा ना। अगर तोड़ा तो ना फिर जरे जरे हो जाता, ठीक है जी। ये गई प्याज, ठीक है यस। कीमे के अंदर प्याज चली गई, ठीक है जी। कीमा करेले में प्याज अच्छी खासी जाती है। कितने लहसुन है? लहसुन दो थे। एक लहसुन जाएगा मोटा गोश्त, बल्कि डेढ़ जाएगा, ठीक है। ये चला गया और ये प्याज चली, प्याज बाद में भी जाएगा, ठीक है। ये टमाटो, ये चलेंगे कीमा करेले में। टमाटो देखिए टमाटर कितने अच्छे हैं ना, जूसी जूसी। तेज है ना, शार्प है ना। ये चलेंगे और ये अदरक दिखाओ, मोटा गोश्त है तो अदरक अच्छी खासी चाहिए। किलो किलो से थोड़ा सा ज्यादा कीमा है हमारा, और तकरीबन करेले जो है वो किलो है, ठीक है जी भाई। इस हिसाब से करेले कीमे में ना कीमा कम होना चाहिए ना करेले, है ना। हाँ। बराबर ही बराबर होना चाहिए, बल्कि कीमा थोड़ा सा ज्यादा होना फिर मजा ज्यादा आता है। ये हो गया, ये अब हम अदरक जो है कुटो कुट करेंगे, ठीक है यस। और ये हम चढ़ा देते हैं यहाँ पे, सही है जी। पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए और वो गत्ता सा हम निकाल लेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। ऐसे थोड़ी सी हीट लगेगी ना वो लादा हो जाएगा, ऐसे तोड़ने से ना जरे जरे हो जाता है। कीमे को अच्छे से कुक करना है, बस इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल देने थे, ठीक है। लास्ट में थोड़ी सी कच्ची प्याज जाएगी, फिर भून के दम लगाना है, कीमा करेले बन के तैयार। बड़े ट्रेडिशनल और मजेदार कीमा करेले बनते हैं, सही है जी। थोड़ा कीमा को मैं मोटे गोश्त का कीमा है, कीमा कभी कच्चा ना खाया करे, पेट में दर्द पड़ता है, ठीक है बिल्कुल। कीमे को अच्छे से कुक करेंगे और हम अदरक पीस लेते हैं। अदरक पीस लेते हैं, फ्रेश फ्रेश अदरक यस। सही है, अब हम डाल देंगे अपने कीमे में। कीमे यस, कीमे कीमा करेले बनाएंगे मजेदार से। ये अदरक चलेगी और इसमें आप जले देंगे मसाले, बिल्कुल भाई ड्राई मसाले। ये है हमारी मसाला किट। मसाला किट किधर हो? ये भी मसाला किट है माशाल्लाह, एक और भी है ऐसी, और ये भी है जी बिल्कुल। सब बनी हुई है माशाल्लाह। ये चलेगी हल्दी, सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलेगी थोड़ी सी काली मिर्च, ये क्या है, गरम मसाला है। हाँ गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला चला गया, सही है। ये रेड चिली चलेगी, सही है। बस अब दूसरी से जाएगा जीरा और नमक इसके पर। चलो उठा लो, इससे चला जाएगा नमक ये, और ये इसमें जीरा है, घर का पिसा हुआ मोटा कुटा हुआ जीरा। जीरा बिल्कुल, दैट्स इट। और ब्लैक पेपर डाल दी थी? हाँ ब्लैक पेपर पहले डाल दिए, उससे मोटी कुटी में किसी भी डाल दी, ठीक है यस। ये मसाला कट भी चलेगी और ये भी रख देंगे कैबिनेट में, चलेगी सही है यस। और इसमें चला जाएगा कुकिंग ऑयल, ठीक है। हमारा जो कीमा है ना फैट वाला नहीं है, यानी कि इसमें चर्बी नहीं है, तो कीमा नहीं हाँ तेल दो स्कूप जाएगा, क्योंकि करेले भी तले करेले भी तले ना तो ज़्यादा हो जाएगा फिर, वैसे कीमा करेले में थोड़ा तेल ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा अच्छा होता है। ये हो गया, इसे कर देते हैं कवर और होने देते हैं पकने देते, तो सही है ठीक है। अब हम करेले काट लेते हैं यस।
ये देखिए करेलों को कोई नमक समक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, हमारे घर में करेले इसी तरह ओरिजिनल का है। हाँ वैसे हम तल रहे हैं आज, वैसे तले भी नहीं जाते, ठीक है। ठीक है, वाली साहब खाते हैं ना तो वो कहते हैं तलो भी ना, तलो भी ना बिल्कुल भाई। ये देखिए इनमें जो है ना बीज जो है ना वो नरम है, तो बीज समेत गोल गोल काट लेंगे, ठीक है। यस, ये इस तरह से ना बहुत ज्यादा पत्ते और ना बहुत ज्यादा मोटे, ना तो बहुत ज्यादा मोटे, ठीक है। यस, इनको हमने धो लिया था बस, दिखाओ बीच बीच में कच्चा है, अगर पक्का होता ना तो निकाल देते, ठीक है। उधर कीमे को कीमा कुक हो जाएगा, इधर हम करेले फ्राई करके थोड़े से डाल देंगे बीच में, फिर दोनों को थोड़ा मिक्स करेंगे, कच्ची प्याज डालेंगे और फिर दम लगा देंगे, फिर सिस्टर इंशाल्लाह रोटी हम बनाएंगे, दे दरादन डिनर दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे घर में ना करेले वालदा साहिबा जो है ना बहुत तरीकों से बनाती हैं, सबसे ज्यादा वाले साहब के जो फेवरेट होते हैं ना वालदा साहिबा के हाथों की कीमा भरे करेले, कीमा भरे करेले, वो जो धागा लपेट लो और वो यस, वो वाले ना वाले साहब जो है ना शौक से शोक बनाते हैं वालदा साहिबा के स्पेशल हाथों से, बिल्कुल। और वालदा साहिबा एक और करेले भी बनाती हैं ऐसे काट के बीच में से बीज रिमूव करके और टमाटर का मसाला बना के बीच में छोड़ती हैं करेले, वो ही हो बहुत वो जो करेले गजब डालते हैं वालदा साहिबा, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आप वो भी बनाएंगे फ्रेंड्स इंशाल्लाह। सर्दियों में गर्मियों में ना गर्मियों में करेले जो है ना बहुत आ जाते हैं, तो कीमा भरे करेले बनाए साथ तंदूर की रोटी और साथ लस्सी और नमकीन, ओए हो मजा ही आ जाता है, मजा ही आ जाता है। ये अभी तो सर्दी है, करेला बहुत महंगा मिल रहा है, 500 रुपए किलो किलो मिल रहा है। ये देखिए इसमें पक्का बीज है, ये निकाल लूंगा, ठीक ठीक है निकाल। ये कच्चा नहीं है, इसको ऐसे हम चॉप कर लेंगे, इसमें पक्का बीज है थोड़ा सा, ये देखो पक्का बीज, इसे निकाल देंगे ना, ये ना फिर वो खाने में आता है बुरा लगता है, ये फर्क होता है। ये देखिए ये पक्का बीज है और ये कच्चा, कच्चा जो गुदा है ना वो बड़ा टेस्टी लगता है। ये देखिए चलो अब एक क्लिप लेना, करेले में कट कर रहा था साथ तेल रखा है, अब मैं आपको बताता हूँ वो हम निकाल लेंगे वो जो डाला है ना। Yes. ये रहा, ये अपना पूरा निकल जाएगा, खैर ये अभी जल्दी निकल जाए, ये ना ये चूरा चूरा हो जाता, ठीक है। यस, ये देखो अब इस कीमे को पकने देते हैं, तेल भी रख लिया अच्छे से, इसमें डाल दूंगा करेले करमेले, सही है। देखिए फ्रेंड्स एक तो करेलों को तेज आंच पे तलना है, ठीक है। yes. और एक बस थोड़ा सा ही तलना है, बहुत ज्यादा
तलना बाकी हम दम दे देंगे। हाँ, बाकी हम दम में पका लेंगे। ये अब हम करेलों को निकाल लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है, लग रहा है गर्मी है ना? यस गर्मी है। गर्मियों में कीमा करेले। देखो इसको बहुत कुक नहीं करना नहीं तो खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं ज्यादा कुक करते हैं ये वो जल सा जाते हैं। सुपर इसको हम दम दे देंगे चिकन कीमे में। कीमे के साथ बिल्कुल ना, थोड़ी सी कच्ची प्याज डाल के दम दे। इनका जायका बरकरार रहेगा। ये यस यस ग्रीन ग्रीन है। सब कुछ भी है ना? यस बिल्कुल भाई। देखो अब ना बस कीमा भुनने का हम इंतजार कर रहे हैं। कीमे को खोल लेंगे ठीक है। फ्रोजन कीमा था ना, फ्रोजन कीमे को खोल लेंगे। खोला जाता है, अगर खोलेंगे नहीं तो डलियां बन जाती हैं सख्त ठीक है। ये देखिए डलियां, अगर ये छोड़ देंगे ना इसी तरह तो जब भुनने भी आएगा ये डलियां सख्त बन जाती है। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखिए खोलेंगे। हाँ सब पकेगा साथ साथ खोलते हाँ खोलते जाएंगे ऐसे 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 ताकि ये लादा लादा दाना हो जाए ठीक है। जैसे जैसे ये कुक होगा तो ये खुलता जाएगा ये। क्योंकि ना अगर इसे छोड़ देंगे तो ये डला सा गट्ठा डलियां बन जाएंगी सख्त सी, वो फिर अच्छी नहीं लगती खाने में ना। ये अभी थोड़ी और खुलेंगी ठीक है। चलो अब इसे पकने देते हैं। तकरीबन 30-35 मिनट लगेंगे कीमा पक जाएगा। करेले बस तैयार है, इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है और कच्चा प्याज डाल के दम लगा देना। फ्रेंड्स कीमा रखा हुआ था तो कीमा हो गया, बस भुनाई पे आया हुआ। ये देखिए कीमे को अच्छे से भून लेते हैं। भून के और डालेंगे करेले और ये कटा हुआ प्याज ठीक है। यस ये देखें इसको थोड़ा सा भूनना है कीमा और मसाले ठीक है। और उधर एग्स बॉयल होने के लिए रखते हैं। और इधर देखो बहुत सारा चिकन आया, दिखाओ क्लोज में, अंदर भी इतना ही है। वो एक प्रात जो है कैट्स के लिए रखेंगे, वो बगैर धोए रखते हैं जी भाई बिल्कुल। और एक सिस्टर धोने लगी है, स्ट्रेनर लगा के धोते धोती जाएंगी और रखती जाएंगी, फिर पैकेट्स बना के फ्रिज में रख लेंगे ठीक है जी भाई बिल्कुल। ये आ गया हमारा कीमा बुनाई पे। ये चलो जब तक कीमा बनता है मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और चिकन धोना ठीक है बिल्कुल भाई। ब्रोस्ट बनाए, ब्रोस्ट अच्छा था yes. है ना जी भाई? आपने वो रखा नहीं करता जी मत। मेरे वाले साहब जहाँ से चिकन लेते हैं ना वो अच्छी साफ करके देते हैं, 10-15 रुपए ज़्यादा लेते हैं बीन चिकन के साथ, पर साफ अच्छी करके देते हैं। देखिए साफ सुथरी, हमें छुरियाँ कांटे लेके नहीं बैठना पड़ता ठीक है जी भाई बिल्कुल। बस इन्हें धोना ही पड़ता है नहीं तो मुर्गी अगर साफ ना हुई हो ना तो फिर उसे छिचड़े वगैरह उतारने पड़ते बाहर है ना जी भाई। और वाले साहब जो है ना लेते भी रहते हैं और अच्छी साफ करवाते हैं। ये मोटा कीमा या गोश्त होता है ना इसे थोड़ा भूनना ताकि इसमें घी वगैरह हो खत्म हो जाए। और यहाँ पे अंडे हो रहे हैं, अंडे भी चिकन आधा धो लूंगा। आधा धो लो ना तो चैनल को उधर रख दो, अंडे निकाल लें। Yeah.
करेले के जूसेस का बंद कर दो जाओ। मस्कीमा करेले की हमारी तकरीबन 15-20 मिनट बाद रेडी हो जाएंगे। 20 मिनट बाद हल्की सी आंच पे इन्हें दम लगाएंगे, ठीक है? मेरे भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत प्यारे मसाले। इनको तंदूरी रोटी से खाए ना बड़ा ही मज़ा आता है, साथ ना नमकीन सी लस्सी हो। ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर कीमा और करेले दोनों चीज़ें इक्वली कर गरम आले गरम आले। मुझे सिस्टर ने बताया था छिलका उतारने का तरीका, सही तरीका। सारी तरफ से एक सेल को जो है तोड़ क्रैक कर दो। अगर अंडा का छिलका ना आता तो इससे इजीली होता जाता। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट करना है, बाकी ये दम में सॉफ्ट करना है बस। अब इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, ठीक है? दम लगाना है 15-20 मिनट का बस। चलो मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। सिस्टर रोटियां डाल रही होंगी, आंडे वो होंगे। फ्रेंड सिस्टर अब रोटी बना रही हैं। की रखा है खुशका, ये आटा वहाँ है हमारा तवा। माशाल्लाह तवा बिल्कुल। ये मेरी रोटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवे पे। ये दिखाओ जरा, माशाल्लाह कीमा करेले बन के रेडी है। ये देखिए फ्रेंड, रोटी हमारी रेडी है और कीमा करेले भी बन के रेडी है ना जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स को हम ना सर्व करते दिखाते हैं। अब सिस्टर सर्विंग करने लगी हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, ये देखिए कीमा करेले बन के रेडी है। रेडी बिल्कुल भाई। ये थोड़ी सी है ना मसाला भी डाल देंगे। यस,